हेलो गाइस, तो आज हमारा टॉपिक है मेलेनोमा। मेलेनोमा जो है वो ट्यूमर है, मेलेग्नेंट ट्यूमर है मेलेनोसाइट्स का, जिससे कि हमें पता है मेलेनिन जो है वो कलर देता है स्किन को। मोस्टली स्किन ट्यूमर में से जो मेलेनोमा है वो इस डेथ कॉज करवा सकता है। आते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स पे। 75% एक्सेप्टेड थ्योरीज में ये बताया गया है कि प्रोलॉन्ग सन एक्सपोजर कन्वर्ट करता है मेलेनोसाइट्स को इनटू द मेलेग्नेंट ट्यूमर। बकाया अदर रिस्क फैक्टर्स में फैमिली हिस्ट्री भी आ सकती है, ब्राइट कलर भी आ सकता है, रेड और ब्राउन एयर हेयर्स भी आ सकते हैं, ब्लू ग्रीन आईज और हिस्ट्री ऑफ सनबर्न एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ मोल जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जैसे कि मेलेनोसाइटिक नेवाय हो गया, डिस्प्लास्टिक नेवाय हो गया, वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं आपके मेलेनोमा में। इंसिडेंस, इसके दो इंसिडेंस हैं, एक सन एक्सपोजर, दूसरा प्री एग्जिस्टिंग मोल्स। हमने बात की थी कि सन एक्सपोजर जो है मोस्टली वो ट्रांसफॉर्म करता है नॉर्मल मेलेनोसाइट्स को इनटू द मेलेग्नेंट फॉर्म ऑफ मेलेनोसाइट्स में। ये होता किन लोगों में है जिनका स्किन कलर फेयर होता है मोस्टली, और प्री एक्सिस्टिंग मोल्स जो है वो रेयर और ऑर्डिनरी मोल्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके मेलेग्नेंट फॉर्म में। पैथोजेनेसिस, इस पिक्चर में नॉर्मली जो हमें केराटिनोसाइट्स होते हैं वो इंड्यूस करते हैं मेलेनिन फॉर्मेशन को और मेलेनोसाइट्स को टू फॉर्म अ मेलेनिन एंड गिव अ पिगमेंट टू द स्किन। होता है क्या, ड्यू टू प्रोलॉन्ग सन एक्सपोजर्स वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके और प्रोलीफरेट होते हैं इनटू द मेलेनिन फॉर्म ऑफ मेलेनोसाइट्स में। उसके दो पाथवेज हैं, एक डायरेक्ट पाथवे, एक इनडायरेक्ट पाथवे। डायरेक्ट पाथवे में ये होता है कि सन एक्सपोजर की वजह से कुछ म्यूटेशंस अकर हो सकती हैं, जिसमें मोस्टली सेल साइकिल कंट्रोल में सिलिकेन टू ए हो गई, TP53 हो गई, NF1 की म्यूटेशन हो गई, तो वो कन्वर्ट करेंगी आपकी प्रोलीफरेटिव मेलेग्नेंट फॉर्म ऑफ मेलेनोसाइट्स में। और इनडायरेक्ट पाथवे के पहले जो प्रोग्रेसिवली मोल फॉर्मेशन हुई मेलेनोसाइटिक नेवाय और डिस्प्लास्टिक नेवाय फॉर्मेशन हुई और प्रोग्रेस उसके बाद विद टाइम और डिकेड्स जो है वो कन्वर्ट हो गया आपका मेलेनोमा में। ये इसकी पिक्चर है जो इसकी क्लिनिकल आप प्रेजेंटेशन आपको बता रही है कि एक आपको यहाँ पे छोटा सा मैक्यूल रेड ब्राउन पेच सब मिलेगा विद ब्लैक नोडुलर मोल टाइप। ओके, आते हैं इसकी क्राइटेरिया पे कि डॉक्टर जब एग्जामिन करेगा पेशेंट को तो वो क्या चीज़ें देखेगा, तो वो चार चीज़ देखेगा, उसे हम कहते हैं ABCD क्राइटेरिया। एसिमेट्री चेक करेगा, सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, ठीक है। दूसरा बॉर्डर चेक करेगा, रेगुलर है इरेगुलर है। इसका कलर चेक करेगा, कलर में ब्लैक है डार्क ब्राउन है, विच वेरी कर सकता है मोल का। और उसका डायमीटर स्मॉलर है या लार्जर है। जो स्मॉलर होते हैं वो बिनाइन टाइप्स के ट्यूमर्स और होते हैं, जबकि लार्जर जो मेलेनिन ट्यूमर होते हैं और मोस्टली मेलेनोमास होते हैं। फोर टाइप्स की मेलेनोमा होते हैं, सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलेनोमा, लेंटिगो मेलेग्नन मेलेनोमा, नोडुलर मेलेनोमा एंड एक्रल मेलेनोमा। आते हैं सुपरफिशियल टाइप ऑफ द मेलेनोमा। जो ये सुपरफिशियल टाइप ऑफ मेलेनोमा है ये जो है मोस्टली जो इन्वॉल्व करता है बैक करता है मेन में एंड
वुमेंस में लेग साइड को इन्वॉल्व करता है और ये स्प्रेड होता है सुपरफिशियली इन एपिडर्मिस। ओके, और इसकी जो मार्जिन हमें नज़र आ रही हैं वो और सरफेस इसकी रेगुलर सी होगी और इधर ब्राउन ब्लैक सी अपीयरेंस की होगी। ठीक है, जो लेंटिको टाइप्स की मेलानोमा है वो मोस्टली फेस में होती है, एल्डरली पीपल्स में होती है और ये सिंगल पेज और मल्टीपल पेज हो सकते हैं और ये स्लोली प्रोग्रेसिव फॉर्म में स्प्रेड होते हैं। थर्ड टाइप है नोडुलर टाइप, तो ये मोस्ट कॉमनली मेन में होते हैं और ये 50 और 60s में जाके इस तरह के ब्लैक थोड़े से रेज मोल अपीयर मिलते हैं। और लास्ट जो है वो है एक्रल टाइप। एक्रल टाइप्स जो इन्वॉल्व करते हैं वो पाम सोल और नेल बेड्स को करते हैं। इसमें अभी पिक्चर देखिए किससे, ये फोर्थ और लास्ट स्टेज होती है। इसमें जो है आपको बहुत सी एसिमेट्रिकल और डीप सी जो है वो पिगमेंटेशन मिलेगी एरिया पे और इसकी एक साइन है उसे कहते हैं हर्चिंसन साइन। होता क्या है कि डिस्कलरेशन हो जाती है नेल की ड्यू टू मेलानोमा, उसे हम कहते हैं हर्चिंसन साइन। ये जो पिक्चर है माइक्रोस्कोपिक, इसमें हमें दो टाइप्स की जो है वो मिलेगी ग्रोथ। एक होगी रेडियल ग्रोथ, दूसरी होगी वर्टिकल ग्रोथ। रेडियल ग्रोथ का मतलब है ये हॉरिजॉन्टल जो है स्प्रेड करेंगे और ग्रोथ करेंगे और विदिन द एपिडर्मल एंड सुपरफिशियल डर्मिस में करेंगे लाइक ए नेस्ट। ठीक है, और जो वर्टिकल ग्रोथ है वो जो है आपके ग्रोथ होगी डीप सी कि मतलब कि वो एपिडर्मिस से डर्मिस तक जो है ग्रोथ करेगा और ये अपीयर करेगा लाइक ए नोड्यूल्स विच इज़ द एमरजेंसी कंडीशन इन द मैलिग्नेंट टाइप ऑफ मेलानोमा। ये डिफ्रेंशिएट किया हुआ है कि रेडियल ग्रोथ फेस और वर्टिकल ग्रोथ फेस किस तरह चेंज है। वर्टिकल ग्रोथ फेस अपन डेथ लाइक थोड़ी सी मतलब कि वो मिलेगी थोड़ी सी सुपरफिशियल एपिडर्मिस में मिलेगी, जबकि वर्टिकल ग्रोथ फैक्टर जो है वो डीप आपको डर्मिस तक मिलेगी और इनफिल्ट्रेटिंग सेल्स मिलेंगे आपको उसमें। ओके, आते हैं ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में इसकी जो है कीमोथेरेपी दे सकते हैं जिसमें हम डेकरबाजीन और टीमोजोलोमाइड दे सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं इंटरल्यूकिन 2 TNF अल्फा, ठीक है ना, और टारगेटेड थेरेपीज टॉपिकल थेरेपीज एंड नॉन टेक्नोलॉजिकल और थेरेपीज भी दे सकते हैं। प्रोग्नोसिस डिपेंड करेगी इसकी डेप्थ पे कि कितनी डेप्थ है, कितनी थिकनेस है, ठीक है, लेस देन 1 millimeter है, मोर देन 1 millimeter है और उसकी रेगुलरिटीज भी डिपेंड करेगी। तो कुछ पॉइंट्स है कि ट्यूमर की डेप्थ पे प्रोग्नोसिस डिपेंड करती है, नंबर ऑफ माइटोसिस पे, अल्सरेशन और कितनी अल्सरेशन है स्किन के ऊपर, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ ट्यूमर इन्फिल्ट्रेटिंग लिम्फोसाइट कितने हैं और जेंडर क्या है, लोकेशन क्या है, ठीक है, इन पे ये डिपेंड करती है। और सबसे जो लास्ट टाइप स्टेज है वो है मेलानोमा विथ मेटास्टेसिस इन द स्किन, जिसमें वो लिम्फ नोड डिस्टेंशन हो जाती है और वर्टिकल ग्रोथ फैक्टर्स ग्रोथ फेज होता है और नोडुल्स की अपीयरेंस आती है और आखिरी आपकी वो इसमें डेथ भी हो सकती है। प्रिवेंशंस में नॉर्मली आपको अपनी स्किन को बर्न से बचाना है, जिनका ब्राइट कलर है वो तो कोशिश करें कि वो सन में इतना ना निकले, उनको सन एक्सपोजर कम हो, और जिनकी फैमिली हिस्ट्री है जिन तो वो स्टार्टिंग से अपने आप को उन चीज़ों से दूर रखें कि जिन चीज़ों से वो एग्रीवेट हो सकती है मेलानोमा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक एंड हुआ। कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन हो तो इनबॉक्स कर दीजिएगा, कोशिश कर दूँगा सॉल्व कर दूँगा। शुक्रिया।